अरे हमें एक मौका दीजिए ना, हम सब ठीक कर देंगे, बता रहे हैं। मैंने कहा ना, तुम यहाँ बैठो और यहाँ से हिलना मत। ससुराम स्वर्ग की अप्सरा भी बन जाएंगे ना, तब भी हमारा बेइज्जती करेंगे, लेकिन वो कानून की देवी छींक देगी ना तो भी इनाम दे देंगे उसको। हुआ के रहते ना कोनो कभी चैन से नहीं बैठ सकता है, कबो पसार दो कबो उठा लो है। फुगा भी ना कबो कबो बहुते अजीब करती है। अब बताओ तुम्हारा परीक्षा है या तुमको ये सब काम में लगा दी? एगो तो तुम इतना गोर हो, ऐसे घाम में काम करोगी तो तुम संवरा नहीं जाओगी। बहुत हमको चिंता होता है तुम्हारा। कोई बात नहीं दुलारी दीदी, हमें इस काम से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुमको प्रॉब्लम नहीं हो, बाकी हमको तो प्रॉब्लम है कि नहीं से बताओ। हमारा ना ये ऐसा के है, हम कोनो को दुखी नहीं देख सकते हैं। अब वो सब छोड़ो, ये बताओ कि बड़की भाऊजी जो ड्रेस पहनी थी ना आज, वो कैसा लग रहा था? हम पसंद किए हैं। अच्छा, अब और नहीं तका तो ठीक है, तुम करो इस तरह, हम जाते हैं। हर मेरे को पागल रहे ना, सबके जान पर बनल रहता है, दिन भर जहाजे बनल घूमते रहते हैं। सृष्टि जी आप ही आए, हम आपको पूरे घर में ढूंढ डाले। क्यों, ऐसा क्या हो गया? हम ना आपको कुछ दिखाना चाहते हैं, आप चलिए हमारे साथ। नहीं अभी हम नहीं जा सकते, हमें सारी बर्नियों में तेल भरना है। जो हमें दिखाना चाहते हैं हम बाद में देख लेंगे। और आप नीचे जाइए ना, यहाँ इतनी तेज धूप है, कहीं ऐसा ना हो कि फिर से बीमार पड़ जाए। सृष्टि जी हम ना बहुत ही कमाल की चीज बनाया है, हम ना आपको दिखाना चाहते हैं, चलिए ना हमारे साथ, चलिए ना। देखिए हम आपका काम जरूर देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम अपना काम कर लें, ठीक है ना? अब जाइए वहां पीछे बैठ जाइए। सृष्टि बहू तुमने इन बर्नियों में तेल डाला ना, अब तुम जाओ नीचे, बीसू ने जो बनाया वो देखो, बाकी यहाँ हम संभालते हैं। जी चल मैक निकले। अरे बेटा। पापा अब ये मेरे फ्रेंड्स हैं, मैक आप उसको तो जानते हैं। नमस्ते अंकल। खुश रहो। और ये अरुण है। नमस्ते अंकल। खुश रहो बेटा। अब अरुण के थ्रू हम लोग पटना में एक इन्वेस्टर से मिलने जा रहे हैं। अरे वाह, ये तो बहुत खुशी का बात है बेटा, भगवान तुम सबको कामयाब करे। अरे अनुराग बेटा पटना जाने का तैयारी हो गया? जी माँ बस निकल रहे हैं। माँ ये मेरे फ्रेंड्स हैं, ये मैक है और ये अरुण। नमस्ते आंटी। नमस्ते आंटी। और गाइस दिस इज माय मदर। अनुराग हम बाहर गाड़ी पे हैं, तू आ जाना। हाँ ठीक है। वापसी कब है? कल तक आ जाऊंगा। हम भी हरिनगर जा रहे हैं, वो पुरानी एक जमीन का पंचायती है, शायद रात को वहीं रुकना पड़े। आप हरिनगर जा रहे हैं ना, तो आप हमारे साथ ही चलिए, रास्ते में आपको ड्रॉप भी कर देंगे और कल आते समय आपको वापस ले आएंगे। अभी ठीक है, चलो तुम सबके साथ ही चलते हैं। ऐसी बेहुदा ड्रेस पहनने की जरूरत क्या थी तुमको? हाँ सब तुम्हारा मजाक उड़ा रहे, सबके सामने मजाक बन के रह गई तुम। और अपने आप को ना एक बार आईने में देखो, ऐसे कपड़े पहन के ना कोई मॉडल नहीं बन जाता। ये मेरे बिजनेस फ्रेंड्स हैं, ठीक है, इनके साथ मेरी बिजनेस डील होने वाली है और मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि इनके सामने मेरी किसी भी तरह की कोई इंसल्ट हो। तो प्लीज जब तक मैं उनके साथ पटना के लिए ना निकलूं, तुम यहीं इस कमरे में रहोगे, ओके? मैंने कहा ना तुम यहीं बैठो और यहां से हिलना मत। चले गए का? अब दिखाइए क्या बनाया आपने। पहले अपनी आंखें बंद कीजिए। अब ऐसा क्या है, ऐसे दिखा दीजिए ना प्लीज। नहीं पहले आप अपनी आंखें बंद कीजिए। अरे बाप
अभी प्लीज आंख बंद कर लीजिए ना। पीशु भैया ने तो हमें भी अब तक नहीं दिखाया, बोला है कि जब तक आप नहीं देखेंगे कोई और भी नहीं देख सकता। हाँ, अब आंखें बंद कीजिए। चलिए हमने आंखें बंद कर दी। कितनी देर लगाएंगे भैया? रुकिए ना, कर रहे हैं। अब आंखें खोलिए। टेंडर हैं। ये तो इन्वर्टर है। हाँ, हमने बनाया इसे। अब है ना, कभी बिजली गई भी ना तो भी आपकी पढ़ाई नहीं रुकेगी और पूरे घर में रोशनी भी रहेगी। लेकिन इसके लिए तो बैटरी चाहिए होती है ना। हमने ना उसका भी जुगाड़ कर लिया था। हमने ट्रायल के लिए ना ट्रैक्टर में से बैटरी निकाल ली थी, और अगर सब कुछ अच्छा रहा ना तो पापा से क्या कि बैटरी भी मंगवा लेंगे। हाँ विशु भैया, ये आपने बनाया है? हमको का बकलोल समझो, खुद ये तो दो बारी फेल हो गई थी। हमने ही बनाया इसे। चलिए अब इस इन्वर्टर को है ना मेन स्विच के साथ जोड़ देते हैं, ठीक है? चलिए। सृष्टि जी की लाई हुई किताबों से कुछ बनाए हैं। अरे वाह। ऑफ कीजिए। अरे कहाँ हो रहा है? अब ऑन कीजिए। ये सब कहाँ है बिशु बेटा? हमने ना किताब से सीख के इन्वर्टर बनाया। अब है ना घर में बिजली चली भी गई ना तब भी घर में 8 घंटा बिजली रहेगी। सीरियसली? हाँ। दो ताली। तुमने इन्वर्टर बनाया बेटा? हाँ पापा, हमने बनाया है। लेकिन सृष्टि जी अगर हमारी मदद ना करती ना तो ये कभी नहीं हो पाता। सृष्टि जी की दी हुई किताबों से हमने इसे बनाया है। अरे वाह बेटा, शाबाश। हाँ अभी तो ये सब बहुत ही अच्छा लग रहा है, लेकिन जब करंटे लगेगा ना तब लेना का देना पड़ जाएगा। हम कहते हैं कि ऐसा किताब देने का जरूरत ही क्या है कि ये सब चीज बने। ये क्या हो गया आपको? कैसी बातें कर रही हैं? आज विश्व ने जो काम किया है ना वो अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग नहीं कर पाते। बजाय कि आप उसे बढ़ावा दें आप उसे और डांट रहे हैं, ये कोई बात हुई? सृष्टि, तुम जो विषय पे मेहनत कर रही हो ना वो साफ साफ दिखाई दे रही है। थैंक यू सो मच। और विषय, तुमने आज जो भी काम किया है ना सीरियसली उसके लिए तो तुम्हें पार्टी मिलनी चाहिए, और वो पार्टी तुम्हारे भैया की तरफ से होगी। लेकिन आज मैं बाहर जा रहा हूँ, कल आते ही तुम्हारी पार्टी डन। पक्का? पक्का। नहीं दीजिए दादी। चलो पापा। चलो बेटा। All the best for your project. Thank you. हम भी अब
अपने रिश्ते को अच्छा बनाने के लिए जी जान लगाते हैं, लेकिन वो इस घर में किसी को दिखाई नहीं देता। वही कानून की देवी राई बराबर काम करके पहाड़ जितना तारीफ तोड़ लेती है। अचार में तेल डाल दिया है, ऐसे ही धूप में रखकर आए हो। आपने जो काम हमें दिया था हम कर चुके हैं। जाने का बहुत जल्दी है तुमको, शाम को मंदिर जा रहे हैं। हम मंदिर जाकर आए उससे पहले सारा अचार नीचे आ जाना चाहिए, समझी? अब भूल मत जाना। फुआ, अगर बहुत बार आ गई तो हम है ना इसको याद दिलाने के लिए। बाकी तुम कौन मंदिर जा रही हो फुआ? तुमको बहुत फिक्र है हम कहाँ जा रहे हैं और कहाँ कर रहे हैं। तुम नहीं रहोगी तो हमको चिंता होता है कि नहीं? फुआ, अचार रखने में तो सारा काम है मेहनत का है। आऊ छोटकी भौजी से का होगा, हमारा तक काम है सबका मदद करने का। अब अरे पराग बाबू कखनी आए? आके तो हमको 27 साल हो गया है, लेकिन यहाँ हम बस 5 मिनट पहले आए हैं। देखे कोई दिख नहीं रहा था तो दिव्या जी को फोन लगा ले। पराग बाबू, किसी के घर में आके घर वालों को फोन नहीं लगाते, आवाज देते। कोई बात नहीं, आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। दुलारी, रागिनी बहू को बुलाना, बैठिए। अब अकेले बैठेंगे आप तो बोर हो जाएंगे, चलिए हमारे साथ, हम आपको रागिनी भाऊजी के रूम में ले चलते हैं। अरे आइए। अच्छा ठीक है। यार जानते हैं आपके आने में सबसे अच्छा बात क्या है? का? कि जब वो आप आते हैं ना कुछ लेकर आते हैं। आज देखिए कितना मिठाई लाए हैं, हम बहुत खुश हैं। अब ये देखिए आ गई बड़की भाऊजी। अब दोनों लोग बतियाइए, हम जाते हैं। बतियाइए लोग, आ ही रहे हैं। तुम तो गजब कमाल कर रही हो। वहां थी तो वहां कमाल करती थी, यहाँ आई हो तो यहाँ कमाल कर रही हो। तो बस वह खुशी में हम ही मिठाई लेके आए हैं। ऐसा भी हम का कमाल कर दिए हमें ही नहीं पता। अरे भैया तुमको पता है, तुम्हारा टेंडर पास हुआ है 2 साल पुराना वाला, जिसके लिए बाबूजी 2 साल तक परेशान घूम रहे थे। हो गया? हाँ, तो वह खुशी में नई मिठाई लेके आए हैं। और तुमको पता ही है, जब भी तुम्हारा टेंडर पास होता था तो हम लोग खूब कमाल के साथ जश्न मनाते थे। अब तुम वहां हो नहीं तो हम सोचे, लगता है अम्मा ने कुछ नहीं बताया। क्या हुआ? तुम्हारा मुंह कहाँ उतरा है? अम्मा ने नहीं बताया। सब कुछ बताया अम्मा ने, सब कुछ। कुंडी देखो सुनो, तुमको याद है जब हम लोग छोटे छोटे थे तो बाबूजी हम लोगों से एक बात अक्सर किया करते थे कि बेटा तकलीफ के वक्त तकलीफ को ज्यादा याद मत करना, नहीं तो वो और बढ़ जाता है। वो कहते थे कि उस वक्त हमेशा खुशी को याद करना। तो बस हम आ गए तुमको खुश करने के लिए, हैं? ए देखो तुम, तुम्हारे चेहरे पे ना ये मायूसी अच्छा नहीं लगता, बिल्कुल भी नहीं। थोड़ा मुस्कुराओ ना भैया। अरे हमको तुम वैसे ही अच्छी लगती हो, पहले वाली एकदम, जो हमेशा खिलखिलाते रहती थी। तो रही बात जीजा जी की, तो उनका चिंता तुम बिल्कुल मत करो। उनका जो प्रोजेक्ट है ना, वो सोचो कि पास हो गया। हम हैं तो तुमको सोचने का जरूरत नहीं है। कुछ छोड़ो, एक बहुत छोटा मोटा बात है। आज धमाल से पार्टी करेंगे और पूरा यहाँ गांव कस्बा को पता चल जाना चाहिए कि यहाँ पे महफिल जमा हुआ है। क्या बोले आप कि आज घर में पार्टी होगी? अच्छा अच्छा अच्छा, हम इन्वर्टर बनाए इसी खुशी में आज पार्टी हो रही है। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। देवर जी, आपको जो पार्टी आपके भैया नहीं देने वाले थे, आज वो पार्टी ना हम देंगे। इतना बड़ा कारीगरी की हो तो पार्टी तो बनता है ना। हाँ हमें ना भाभी पार्टी करना है ना, बहुत ही अच्छा लगता है। अब भैया देखो, पार्टी में तो चकाचौन लाइट होगा, और अगर गलती से भी लाइट वाइट चला गया ना तो पूरा पार्टी गुड़गोबर हो जाएगा। तो हम सोच रहे हैं कि एक तो जनरेटर का इंतजाम कर देते हैं।
हम है ना, हम कुछ गुड़गबर नहीं होने देंगे। हमारे घर में ना लाइट नहीं जाती है, हुक्का है ना कि हमने ना इन्वर्टर बनाया है। क्या बात कर रहे हो? अरे तुम तो बहुत काम के आदमी हो भाई, पूरा जुगाड़ का इंतजाम करके रखते हो। अब पार्टी तुमको बहुत मजा आता है? बहुत ही मजा आता है। हम तो नाचेंगे, आप नाचेंगे? अरे पूरा नाचेंगे। तो नाच के दिखाओ। सुनिए जी, वो जब से सृष्टि के साथ मंदिर वाला हादसा हुआ है, हमारी एक भी बार उससे बात नहीं हुई है। वो हम सोच रहे थे कि सुमेर को कल उनके घर भेज दे, हालचाल ले आएगा। हम हालचाल ले तो आए थे ना, बताया था ना आपको। आपने जब से वो खबर सुना है, हमारे बेचैनी और भी बढ़ गए हैं। सुरेखा जी, जो सच था वो आपसे छिपाया भी तो नहीं जा सकता था, छिपाना ठीक भी तो नहीं था ना। हमें लगता है कि इस समय सुमेर को वहां भेजना ठीक नहीं होगा। सृष्टि की परीक्षा आने वाली है, हम नहीं चाहते कि उसको इस समय कोई परेशानी हो। आप चिंता मत करिए, हम कल विद्वान जी से फोन करके उसका हालचाल ले लेंगे। लेकिन हमारा सृष्टि से बात करने का बहुत मन हो रहा है, हम और एक बार उसको फोन लगाते, शायद से उठा ले वो। सुरेखा जी, यहाँ रोज किसी ना किसी वजह से हमारी पढ़ाई पूरी नहीं हो पाती। अगर ऐसा ही रहा तो फिर हम एग्जाम कैसे? हमारा सारा फ्यूचर इन्हीं एग्जाम पर डिपेंड करता है। अभी तो फोन बज रहा था, अब अभी बंद आ रहा है। ये सब कैसा लग रहा है यार? तुम तो इलेक्ट्रॉनिक वाले चीज में बड़ा गजब के मास्टर हो। वो तो हम है ही। पूरा लाइटिंग वाइटिंग एकदम गजब सेट की हो। थैंक यू विराग जी। अब आप कितना चकाचौंध है घर में, आज अपने घर नहीं चिन्हा रहा है। अरे गाने सुनना था तो इन्हें इतना चमाचम रोशनी करने का क्या जरूरत था? हमको कह दिए होते हम ही दुगो गीत सुना देते, हो जाता पार्टी का। दो चिट्टे वाली दीदी यहाँ है ना, नाचेंगे भी और आपको भी नचाएंगे। जी भैया। अरे हुआ तुम्हारा काम? अरे भैया बस दीदी जी को आने दीजिए, तब हम अपना प्रक्रिया चालू करते हैं। मैं
भाभी आएगी। अरे वाह क्या बात है देव जी, अच्छा लग रहा है ना आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। अभी आप ना हमारे भैया का पूरा इंतजाम देखिएगा, आपको बहुत मजा आएगा। और ये आज का जो प्रोग्राम है ना, ये आप हमेशा याद रखेंगे। सच्ची? याद तो पूरा गांव रखेगा, क्योंकि इस तरह का नाच गाना इस घर में इससे पहले कभी नहीं हुआ। जाने दीजिए काकी, इसे समझाने का कोई फायदा नहीं है, और वैसे भी आज बहुत हंगामा हो चुका है। यहाँ हमारी खुशी से सबको प्रॉब्लम है, अब नाच गाना भी ना करे तो जिंदगी में करे तो करेगा। चलिए। हे बाबू, कहाँ जा रहे हो भाई? ये पूरा इंतजाम तो तुम्हारे लिए किए हैं, और तुम ही महफिल छोड़ के चले जाओगे? चलो। अरे दिव्या, ए नारद, अब चलो जल्दी अनाउंसमेंट करो, समझ गए? बहुत लेट हो गए। हाँ भैया, बस अभी चालू करते हैं। आप लोग बैठिए ना। आइए बैठिए ना। आप भी? आप नहीं बैठेंगे? हाँ तो हम करते हैं चालू। हाँ तो लीजिए भाइयों, और सारी मिस्टेक हो गया। लेडीज एंड जेंटलमैन, पेश है रेशमा का रंगीन डांस। पहले डांस से पहले विष्णु बाबू, पहले डांसर सबको ना बुलाना पड़ेगा। तो पेश है रेशमा का डांस करने वाला, वो डांसर जो आपको बिल्कुल रंगीन तनतना देगा। गमछा बिछा लीजिए विष्णु बाबू, हो सके तो उड़ा भी दीजिए। आ रही है चाचा बहुत मजा आ रहा है, आप भी आ जाओ। है बहुरानी, सब कहाँ हो रहा है? सासू मैया कुछ नहीं, बस अब थोड़ा पार्टी कर रहे थे। है बहुरानी, हमारे घर में ऐसा पार्टी नहीं होता है। अनुराग के बाबूजी आ गए ना तो कयामत आ जाएगा। हटवाओ इन सबको। है अरे देवर जी, हटवाइए इन सबको। ए बजा वाले, अरे समेटिया बना, आजा बजा हटाइए। ए नारद जी, लपेटिए तामझाम। कहां पराग बाबू, कहां ही सब? हां रंगनाथ के बाबूजी आ गए ना तो इन सबका बैंड बजा देंगे। We'll be right back.
जिसका डर था वही हुआ, अब भगवान ही मालिक है। हम पूछते हैं क्या है सब? घर है हमारा, कोनो कोटा नहीं। वो कहा है कि ये लोग है ना पार्टियां कर रहे थे, उनको पता नहीं ना है हमारे घर में कैसे खुशी मनाया जाता है। तो अरे बस करो माँ, इन लोगों की फेवर में बात करना बंद करो। ये हमारा घर है और खुशियां मनाने के हजार तरीके होते हैं, और ऐसी घटिया हरकत जाहिल पने की हद कर दी इन लोगों ने। अरे का जीजा जी, इनमें का जाहिलियत है, का ओझापन है बताइए। अब हमारे यहाँ तो जब भी छोटा मोटा खुशी का बात होता है तो इतना नाच गाना तो कर लेते हैं, ये छोटा मोटा फंक्शन है जीजा जी, आप तो खामखा बुरा मान रहे हैं। इस तरह का घटिया नाच गाना तुम्हारे घर में होता होगा लेकिन हमारे घर पे नहीं। इसमें घटियापन और जाहिलपन का क्या बात है? तुम हमारे घर के मामलों में ना पड़ो तो अच्छा होगा, मैं तुम्हें कह रहा हूं। जीजा जी, हम तो रिश्तेदार समझे थे, अपना घर समझ के आ गए थे, लेकिन आज के बाद हमको पता चल गया है कि हम यहाँ पे मेहमान हैं। आगे से हम ध्यान रखेंगे कि हम मेहमान हैं और मेहमान की तरह ही आएंगे। अरे भाई नारद, समेटो ये कुल और चलो यहाँ से। चलो चलते हैं। मिल गया सुकून हमारे भैया की बेइज्जती करके। अरे हम कहते हैं का कसूर था उसका। हम सबकी खुशी के लिए थोड़ा गाना वाना बजा लिया, बस यही ना खुशी का वजह पता है आपको? आपका भाई है ना कुछ कारीगरी किया है और वहां हमारे बाबूजी का ना टेंडर पास हो गया। अरे हमारा भाई हमें आके बोला कि धौरा खुशी है, थोड़ा गाना वाना बजा लेते हैं, पार्टी कर लेते, तो नहीं मना कर पाए ना हम। लेकिन आपको तो मौका चाहिए हमारी इज्जत उतारने का। अपनी घटिया बातें बंद करो, खुशी में पार्टी मनाने के बहुत अलग तरीके भी होते हैं। तो ये तरीका में क्या गलती है? वो तुम नहीं समझोगी क्योंकि तुम्हारे और मेरे क्लास में बहुत फर्क है। अगर तुम्हें यही जानना था कि इस घर में खुशियां कैसे मनाई जाती है तो काकी थी ना घर पे, पूछता था उनसे। अच्छा तो अब हमें इस घर में पार्टी करने से भी रोका जाएगा? अरे हमें नहीं मालूम कि आपके परिवार वाले कैसे खुशी मनाते हैं, लेकिन हम एक बात जरूर जानते हैं, खुशी मनाने के लिए ना खुश होना बहुत जरूरी है। हम खुश नहीं थे फिर भी खुशी मना लिए और ये सबसे बड़ी गलती कर दी हम आज। बंद करो सब फालतू अलार्म बत्ते। जी भैया। पापा हम जाके बंद करके आते हैं। विशु, 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 विशु
अरे समझ जाता है विशु। विशु बेटा आंखें खोल बेटा। विशु 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 कहाँ बेटा? अरे विशु उठो बेटा। विशु उठो विशु।